हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केचपैड्री। आज हम अर्बन स्केचिंग डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट वन है अर्बन स्केचिंग का। अर्बन स्केचिंग बेसिकली आप कह सकते हो एक टाइप का लैंडस्केप है। लैंडस्केप के अंदर आता है क्योंकि आप एक सीनरी बनाते हो। इसके अंदर एक लैंडस्केप का पार्ट होता है। अर्बन स्केचिंग के लिए आप डिफरेंट मीडियम यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ों के साथ बना सकते हो। आप पेन यूज़ कर सकते हो, पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या फिर कलर मीडियम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अर्बन स्केचिंग बेसिकली कोई भी प्लेस होता है। अर्बन स्केचिंग, अगर आप अर्बन स्केचिंग बनाना चाहते हो या फिर आप अर्बन स्केचिंग एक टर्म रेफ़र करते हो, तो बेसिकली आप आउटडोर स्केच करते हो। कोई भी प्लेस को प्लेस ड्रॉ करना है आपको आउटडोर्स। अब इंडोर अगर आप कोई चीज़ बनाते हो या फिर आप कोई ऐसी चीज़ जो बाउंडेड है, अगर वो चीज़ आप बनाते हो, तो वो अर्बन स्केचिंग में काउंट नहीं होता है। लैंडस्केप के अंदर आप इसको सिटी स्केचिंग बोल सकते हो या फिर सिटी स्केप बोल सकते हो। अर्बन स्केचिंग में जो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है वो होता है पर्सपेक्टिव। क्योंकि अर्बन स्केचिंग में बेसिकली हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या फिर रोड्स बनाते हैं या फिर मल्टीपल बिल्डिंग्स है, तो ये बेसिकली एक स्केप है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो वैनिशिंग पॉइंट है, आपका जो पर्सपेक्टिव पॉइंट है, ये सारे करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद जो आपको दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा अर्बन स्केचिंग में, वो आपका रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली आपका बिल्डिंग का फॉर्म या फिर आपके शेप्स के फॉर्म है। क्योंकि आप अर्बन स्केचिंग करोगे, मतलब आप छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई भी शेप है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई चीज़ है, कोई व्हीकल है, तो उसको आप छोटे शेप्स में ब्रेक करोगे। वो छोटे शेप्स एक स्ट्रक्चर के रूप में आएगा, एक 3D स्ट्रक्चर के रूप में आएगा, और उसके बाद आप उसे ब्रेक करना स्टार्ट करोगे। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए स्ट्रक्चर। ओके, शेडिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप शेडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा शेडिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि शेडिंग में आप वैल्यू सेट करते हो, आप सिटी का टोन सेट करते हो या फिर जो आप स्केचिंग कर रहे हो उसका टोन सेट करते हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आपके लिए अभी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर और शेडिंग, ये तीन चीज़ पे ध्यान दें अगर आपको अर्बन स्केचिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे एक चीज़ करके बताता हूँ, यहाँ पे एक स्केच करके बताता हूँ कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो उस चीज़ को। तो पहले हम बेसिक फंडामेंटल जान लेते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए और हमारा शेडिंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक लाइन बनाता हूँ और मेरा हॉरिजन लाइन सेट करता हूँ। अगर ये मेरा हॉरिजन लाइन है, मैं एक पर्सपेक्टिव लाइन, ये मैं पर्सपेक्टिव सेट करता हूँ, पर्सपेक्टिव के पॉइंट्स, और यहाँ से मैं अपना पर्सपेक्टिव सेट करता हूँ, ये लाइन सेट करता हूँ, और यहाँ से मैं एक सिंपल बिल्डिंग का शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। एक सिंपल बिल्डिंग यहाँ पर ऐड करता हूँ। इंट्रो के तौर पर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी। अगर आप यहाँ पे एक छोटा शेप, अब ये यहाँ पे एक छोटा शेप है, अब अगर हम इसके हॉरिजन लाइन के इस तरफ आएंगे तो आप देख सकते हो कि ये शेप किस तरह से चेंज होगा। ये बिल्डिंग आगे की तरफ आएगा, ये एक प्रॉपर क्यूबॉइड का शेप लेगा। सेम चीज़ अगर आप और बिल्डिंग ऐड करना चाहते हो, मल्टीपल बिल्डिंग है, इसके पीछे एक और बिल्डिंग है, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होगी। ये हो गया, या फिर अगर आप इसके पीछे कुछ डालना चाहते हो या इसके पीछे कुछ बिल्डिंग है जो आपको दिखानी है, इसके पीछे कोई शॉप है या कोई एरिया है जो आपको शो करना है, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपको जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे पर्सपेक्टिव लाइंस के साथ वो चीज़ें छोटी होती जाएगी, वो आपको पता है पर्सपेक्टिव लाइन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। समझ लो आपका बेसिक शेप है आपने बना लिया, यहाँ पे एक बिल्डिंग होगी, यहाँ पे एक बिल्डिंग होगी, या आपने बेसिक फॉर्म रेडी कर दिया इस चीज़ का, और उसके बाद आप इसके अंदर आप डिटेल फिल करोगे। आप
इसको बहुत सारे मीडियम के साथ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा पेन के साथ कर सकते हो आप, वाटर कलर्स के साथ कर सकते हो। आपको बेसिक फॉर्म यही रहेगा कि आप उसमें जो सिटी का फील होता है या फिर जो प्लेस का एम्बियंस होता है वो आप क्रिएट करो। अगर आपको पीपल ड्रॉ करना है या फिर उसमें कोई भी डिटेल वर्क है तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो जो एम्बियंस है वो सिटी का उसमें आ सके। आपको यहाँ पे एक सिंपल करके बताता हूँ, मैं एक जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे थिन है ये बहुत, और मैं आपको करके बताता हूँ। मैं मेरा बेसिक शेप बिल्डिंग का रेडी हो चुका है तो मैं उसके ऊपर अब आउटलाइन कर दूँगा। ये आप रेफरेंस का यूज़ करके करें, अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो तो आपको रेफरेंस लगेगा, आप रेफरेंस का यूज़ करें ताकि आपके पर्सपेक्टिव पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें करेक्ट हो सके, और उसके बाद आप बाद में खुद से भी कर सकते हो, बट जनरली हम चीज़ें देख के ही बनाते हैं। अगर आप आउटडोर स्केचिंग कर रहे हो तो आप लाइव स्केचिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आप कहीं किसी जगह पे जा रहे हो एंड देन आप ड्रॉ कर रहे हो, तो बेसिकली वो चीज़ वही है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक बिल्डिंग बना के आपको शो करता हूँ। अब आप इसमें जितना डिटेल ऐड करना चाहे वो आप कर सकते हो, वो आपके रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर आप जिस सीन पे हो। अभी स्टार्ट के लिए आप रेफरेंस इमेज का यूज़ करें और बाद में आप आउटडोर जा सकते हैं स्केच करने के लिए अगर आपको सीखना है। और इसमें अब मैं डिटेल ऐड कर दूंगा, बेसिकली शेडिंग ऐड करनी है हमें। इसमें क्रॉस हैचिंग बहुत यूज़ होने वाला है, शेडिंग के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, आप उसमें शेडिंग अच्छे से देख सकते हो। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल बेसिक्स बता रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है हमें सीखने के लिए। ये आपका बेसिक शेप है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर देता हूँ एक बेसिक शेप रेडी। अब सीनरी में जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, अगर पीपल है तो आपको पीपल ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको पेड़ ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, आपको ट्रीज़ हो सकता है ड्रॉ करना पड़े, आपको एनिमल ड्रॉ कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बिल्डिंग्स ड्रॉ करनी है, आप चाहें तो मॉन्यूमेंट्स ले सकते हो, आप चाहें तो ओल्ड हट्स भी, हट वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन पे हो और लोकेशन के हिसाब से आप ड्रॉ करें। आपको सिंपली जल्दी जल्दी कुछ स्केच करके दिखा देता हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में आपको डेमो भी दूंगा कि कैसे आप लाइव रेफरेंस के साथ ड्रॉ कर सकते हो और देख सकते हो। आप यहाँ पे बेसिकली ये आपको समझना है कि आप रेफरेंस फॉलो कर रहे हो एक प्लेस का एम्बियंस ड्रॉ करने के लिए या फिर आप ड्रॉ कर रहे हो एक मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग जो आप दिखाना चाहते हो। आपका सब्जेक्ट क्या है आपको पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका बेसिकली सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट बिल्डिंग है तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। शेडिंग हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो में आप बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि बेसिक शेप कैसे फॉर्म कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर क्रॉस हैचिंग यूज़ होने वाली है और सिंपल जो हमारा शेडिंग होता है, जो हैचिंग होती है वो यूज़ करने वाले हैं हम लोग। आप बस अब यहाँ पे मैं एक ट्री ऐड कर देता हूँ जस्ट सीन को फिल करने के लिए। आपको जो यूज़ करना पड़े वो आपको करना पड़ेगा। इसमें आप बेसिकली अर्बन स्केचिंग कर रहे हो मतलब आपको पीपल ड्रॉ करने आना चाहिए, आपको बेसिक शेप। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली कॉपी करो, ये कोई रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं होती बेसिकली, ये बस एक मेमोरी के लिए लोग ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की चीज़ें वो ड्रॉ करके अपने स्केचबुक में रख लेते हैं। पास्ट में भी पहले आर्टिस्ट ऐसा ही करते थे ताकि वो चीज़ों को याद रख सकें। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं बट पहले ऐसा नहीं होता था।
तो ये मेरा बेसिक रेडी हो गया है। यहाँ पे बेसिक फॉर्म ये रहेगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक पोल्स बना देता हूँ। तो बेसिकली इस तरह से आप कोई भी चीज़ ड्रा करोगे, आप कोई भी बिल्डिंग्स ड्रा कर सकते हो, आप अलग अलग रेफरेंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अब स्काई के लिए भी आप स्काई के लिए भी सिंपल हैचिंग यूज़ करेंगे जो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। आपको बस बेसिक शेप पे ध्यान देना है, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको जो तीन चीज़ इसमें ज़रूरी है वो है पर्सपेक्टिव, आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, बेसिक शेप के स्ट्रक्चर पर और शेडिंग पर। और अर्बन स्केचिंग लैंडस्केप का पार्ट है, आप कोशिश करें कि आप उसको एज अ लैंडस्केप लें। आउटडोर स्केचिंग जो जनरली अगर आप करते हो तो आप पीपल ड्रॉ करते होगे, बट यहाँ पे आप लैंडस्केप ड्रॉ कर रहे हो या फिर किसी बिल्डिंग को ड्रॉ कर रहे हो, किसी मॉन्यूमेंट को ड्रॉ कर रहे हो, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नया नहीं है। आप इसमें अलग अलग चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर समझ लो। एक सिंपल मैंने वैन ऐड कर दिया, तो आप कुछ भी इसमें ऐड करें और ट्राई करें, देखें बना के कि कैसा लगता है वो, और उसके बाद आपको धीरे धीरे वो शेप आ चल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केचिंग और आर्टवर्क एक सिटीस्केप का डेमो देता हूँ, तो आपको शायद और अच्छी तरीके से समझ में आए। टिल देन प्रैक्टिस करते रहें। अगर अभी अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। Till then, keep practicing and bye.